हम लोगों ने तो केवल सूचना दी थी कि आज मैं नामांकन करने वाला हूं और हमारे जिस क्षेत्र के युवा, हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं अपने प्यार के कारण जो है इतनी बड़ी संख्या में उमड़ करके यहां पर आए हैं, और इसलिए मैं सुन सब लोगों का बहुत 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 हृदय से मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों का जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ जिस प्रकार से मेरी आशा की अपेक्षा के इतने ज़्यादा लोग आज आए हैं और जिस प्रकार से बागपत की धरती माँ ने सब लोगों का धूल से आज जो माथे पर तिलक किया है, मैं सब लोगों के सामने ये बताना चाहता हूँ कि अगले कुछ ही महीनों में ये धरती माँ उसको जो यहाँ पर जो है इसकी सड़कों पर धूल नहीं है उस दिन दौड़ती हुई अच्छी सड़कें बनेगी। गठबंधन पर जैसे आपके सामने है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, इस क्षेत्र की जनता गठबंधन मानती नहीं है, वो कहती है गठबंधन है ही नहीं, ये अवसरवादी लोगों का, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने आगे आप बता दो इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा तो मुद्दा एक ही है, विकास का मुद्दा है, सुशासन का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, और हमारा चहुमुखी विकास हमारे क्षेत्र का हो यही हमारा मुद्दा है। मोदी जी हमारा मुद्दा है, हम चाहते हैं, पुनः देश की जनता चाहती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पिछले 5 वर्षों में जो उन्होंने करके दिखाया है तो पुनः इस देश का नेतृत्व करें, ये हमारा मुद्दा है। विपक्ष आरोप है आप केवल पाकिस्तान मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि जो विपक्ष इस तरह की बातें करता है शायद वो पाकिस्तान को समझे नहीं और अपने देश की मिट्टी का तो उनका कोई संबंध लगता नहीं।